ओलगी जोहार नमस्कार दोस्तों, झारखंड के पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को 7 घंटे तक पूछताछ करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हिरासत में ले लिया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यह खबर झारखंड के आदिवासियों के लिए एक शॉकिंग से कम नहीं था। झारखंड के आदिवासियों ने बहुत लंबे समय से संघर्ष और आंदोलन के बाद झारखंड अलग राज्य हासिल किए थे। आदिवासियों का सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी कि अपने देश में अपना राज होगा। ऐसे तो झारखंड में कई आदिवासी मुख्यमंत्री हुए, परंतु व्यापक समर्थन के साथ पहली बार एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना था। आप लोगों को लगने लगा था कि झारखंड में आदिवासियों की सरकार है, इसलिए आदिवासी या सोचने लगे कि अब उनकी हक अधिकार जल जंगल और जमीन की रक्षा की जाएगी, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और झारखंड का विकास होगा। परंतु आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार कर लिया गया और बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया, आदिवासियों को ऐसे लगा जैसे उनका सारा सपना ही टूट गया हो। हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद झारखंड में राजनीतिक संकट आ गया था। उधर भाजपा जोड़ तोड़ करने में लगी थी और किसी तरीके से भाजपा सरकार बनाना चाहती थी, परंतु हेमंत सोरेन के सूझबूझ से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। भाजपा के मंसूबे पर इस तरीके से हेमंत सोरेन ने पानी फेर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का यह आरोप था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद और शक्ति का दुरुपयोग करके सरकारी अधिकारियों की मदद से हेराफेरी करके बरियातू रांची के बड़गाई क्षेत्र में 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिए। यह PMLA एक्ट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है। हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए PMLA कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, परंतु कहीं से उन्हें जमानत नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार हाई कोर्ट ने दिनांक 28 जून 2024 को नियमित जमानत देने का फैसला दे ही दिया। 13 जून को हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के जमानत याचिका पर आखिरी सुनवाई हुई थी। सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने जमानत की पैरवी की थी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से वकील एसवी राजू ने जमानत नहीं देने की वकालत की थी। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी कि हेमंत सोरेन को किसी भी तरीके से जमानत ना मिले। दोनों पक्ष से दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को फिर से सुनवाई के बाद माननीय जस्टिस ने जमानत देने का फैसला सुना दिया। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को एक जोरदार का झटका लगा। आइए जानते हैं कि हेमंत सोरेन पर ईडी और उनके वकीलों ने क्या क्या दलीलें पेश की थी। हेमंत सोरेन ने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करके राजस्व अधिकारियों की मदद से दस्तावेजों में हेराफेरी करके जमीन कब्जा किया। हेमंत सोरेन के द्वारा उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना थी। गवाहों और राजस्व अधिकारियों के बयानों से स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन की भूमि सौदे में संलिप्तता की पुष्टि हुई है। हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जमानत नहीं मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन के बचाव में क्या क्या दलीलें पेश की गई हेमंत सोरेन के वकीलों के द्वारा, वो भी सुन लीजिए। यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है, केंद्र ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। यह भुइहरी जमीन है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अनुसार इस जमीन का खरीद बिक्री या हस्तांतरण हो ही नहीं सकता।
8.86 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही जा रही है या उस जमीन की नहीं है। जमीन बेदखली की घटना 2009-10 की है, लेकिन रिपोर्ट 2023 में तैयार की गई। इससे पहले भू स्वामियों ने कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई। यह सिविल मामला है, इसे आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता। आपराधिक मामला सोरेन को सलाखों के पीछे रखने के गुप्त उद्देश्यों से प्रेरित है। ईडी ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की और सोरेन को फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए। अब चलते हैं हाईकोर्ट के जज ने फैसले पर क्या क्या कहा है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने कहा कि ईडी का पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित है। 8.86 एकड़ जमीन कब्जे का कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित कर सके कि याचिकाकर्ता यानी हेमंत सोरेन का विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका रही है। यह भी साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता ने इसके आड़ में कोई अपराध किया हो। रजिस्टर या रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस बात का सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने जमीन खरीदा हो या कब्जा किया हो। जिन लोगों ने ईडी के पास बयान देकर कहा है कि हेमंत सोरेन ने 2010 में जमीन कब्जा किया है, वे इससे पहले कभी कोई शिकायत संबंधित अधिकारियों के पास नहीं किया, जबकि याचिकाकर्ता सत्ता से उस समय बाहर थे। ये लोग न्याय की मांग कर सकते थे। ईडी का यह दावा कि उसकी समय पर की गई कार्रवाई ने अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका गया है, बिल्कुल अस्पष्ट है। जबकि भूमि पहले से ही अधिग्रहित थी और याचिकाकर्ता द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था। दोस्तों, याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन के वकीलों की ओर से की गई पैरवी, ईडी की दलीलें और जज के फैसले को सरसरी निगाहों से देखने पर यह प्रतीत होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूर्वाग्रह से जमीन घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाकर जेल में बंद किया गया था। इसकी वजह से हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल की सलाखों में दिन काटे। उनका 5 महीने का समय कौन लौटाएगा? उनके परिवार और व्यक्तिगत क्षति की पूर्ति कौन करेगा? उनकी जो बदनामी हुई उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर वे जेल में नहीं होते तो शायद चुनाव का परिणाम कुछ और ही होता। उन्हें जो राजनीतिक नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? क्या जिन लोगों ने साजिश रचकर हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में बंद रखा, उन लोगों पर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? हेमंत सोरेन ने जेल से छूटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उन्हें मनगढ़ंत कहानी गढ़कर 5 महीनों तक जेल में रखा गया। इसी प्रकार देश के अनेक हिस्सों में पत्रकारों और सरकार के विरोध आवाज उठाने वाले लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई अन्य मंत्रियों को जेल में बंद किया गया है। विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था। जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद 30 जून 2024 को भोगनाडीह साहेबगंज की एक रैली को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने 1855 में हूल विद्रोह किया था, अब उसी तर्ज पर सामंती ताकतों के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा और ना केवल झारखंड बल्कि पूरे देश से सामंती ताकतों को खदेड़ दिया जाएगा। झारखंड क्रांतिकारियों का जमीन है, हम जेल लाठी और फांसी से नहीं डरते। यह कथन है हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन के जमानत पर आई हाईकोर्ट के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। ओ लगी, जोहार, नमस्कार।